अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए आज मैं इफ्तार में क्या बनाने वाली हूँ। तो आज इफ्तार में मैं बनाने वाली हूँ फॉइल चिकन फॉइल पेपर कबाब और उसके साथ में आलू का भजिया और पालक का भजिया। हाँ, पालक का भजिया तो अधूरा ही रह गया, पूरा दिखाने नहीं मिला, फिर कभी दिखाऊंगी। आज मैंने जुम्मा था करके वाइट ड्रेस पहनी थी, माशाल्लाह तुम्हारे भाई ने भी वाइट पहने थे। तो चलिए अभी हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले कबाब। तो कबाब बनाने के लिए इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी, उसके ऊपर रखी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी मैं 2 बटर के टुकड़े। जब बटर हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो उसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज की प्याज, एकदम रफली बारीक चौक कटिंग की हुई, और उसे मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुए तक का फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन धो के रखे हुए थे, मुझे लगाने टाइम नहीं मिला। माशाल्लाह आज मैं वाइट ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर बोलना है ना से कमेंट में ना। तो चलिए अभी इधर पे प्याज का कलर हल्का सा नरम हो गया एकदम। तो उसके बाद में मैं इसमें डाल दी चिकन का खीमा, 1.5 किलो है ना, 1.5 किलो चिकन ली थी मैंने, उसका खीमा बना के अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक गैस को हम मीडियम पे रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इधर पे आसिफ ने वीडियो को स्लो किया है आप लोगों को समझने के लिए, है ना, मसाला। तो हाँ, तो वाटी को अच्छी तरह से साफ कर देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। चलिए अभी इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, माशाल्लाह। अभी इसके अंदर डालेंगे 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 यानी बोले तो 1/2 चम्मच से भी कम, उसे 1/4 बोलते हैं, हाँ, है ना। अभी इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4, काली मिरी पाउडर 1/4। अभी इसमें डालेंगे ये कस्तूरी मेथी 1/2 चम्मच से भी कम, यानी 1/4 डाल दीजिए ना। अभी इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के हम डालेंगे तंदूरी मसाला, है ना। ये भटियारा स्टाइल बना रही हूँ मैं, इसीलिए इसमें तंदूरी मसाला जाएगा ही। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा हरी मिर्ची को दरदरा पीस कर हम डाल देंगे, और 1/2 लींबू का रस डालेंगे। हाथ की मदद से सारी बीज निकाल देंगे और इसे निचोड़ के डालेंगे। हल्का सा डाल लूँगी पानी, अभी इन सबको मिक्स कर दूँगी। हाँ, तो ये मैं बना रही हूँ भटियारा स्टाइल, जो भटियारा लोग बनाते हैं। तो भटियारा लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके ना हर एक स्टार्टर में उन लोग तंदूरी मसाला डालते ही है। नमक डालना बताना भूल गई थी, तो हल्का सा नमक डालेंगे। नमक डालने पर ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर हम डबल कोटिंग करेंगे तो दूसरे वाले चिकन में भी हमारे नमक रहेगा, है ना। तो चलिए अभी हम इसे क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट तक का पका लेंगे। इसके अंदर जितना भी पानी है सारा पानी सुखा लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। ठंडा होने के बाद में हमें क्या करना है मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो ये देखिए इसका पूरा पानी सूख गया है। पूरा पानी सूख जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे गैस को बंद कर देंगे, इसे खूब अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। इसमें डालेंगे हल्का सा हरा धनिया और हल्का सा पुदीना बारीक कटिंग करके। चलिए अभी दूसरा वो एक बैटर रेडी करते हैं। तो इधर पे मैंने मेरा जार ली, इसके अंदर डालूंगी मैं 1/2 किलो चिकन। चिकन बोनलेस चिकन है। तो अभी इसके अंदर चिकन के क्यूब एकदम बारीक बारीक से रहने चाहिए। अभी उसके अंदर डालूंगी 1 मीडियम साइज की प्याज। चलिए अभी डाल दी। अभी इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4, जीरा पाउडर डालेंगे 1/4, बराबर जीरा पाउडर डाली मैंने, काली मिरी पाउडर डालेंगे 1/4, चाट मसाला पाउडर डालेंगे 1/4, गरम मसाला पाउडर 1/4, नमक एकदम आप देख के डालेंगे क्योंकि पहले भी मसाले में नमक है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। वाटी को साफ करेंगे। बाहर आवाज़ आ रही है, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं है। अभी इसके अंदर डालेंगे ये मैं डालूंगी सीख कबाब मसाला, सीख कबाब मसाला मैं डालूंगी कम से कम 2 चम्मच भर के। अभी इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के और थोड़ा सा और 2 चम्मच भर के हम बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, 1 लींबू का रस डालेंगे, हाथ की मदद से सारी बीज निकाल देंगे और उसे निचोड़ के डालेंगे। हाँ, बारीक बारीक हरा धनिया और हरी कोथमीर 1 मुट्ठी ले लेंगे, इसे बारीक बारीक कटिंग करके डालेंगे। हाँ, तो तंदूर ये कौन सा मसाला, सीख कबाब मसाला, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। शान का चाहिए तो शान का लीजिए, गिगानी का चाहिए तो गिगानी का लीजिए। अभी 2 चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल लूँगी बेसन यानी चने का आटा। मैंने इसे भून बीन के कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट ही थैली में से निकाल के
मिक्सर के बर्तन में डाल रही हूँ, है ना। हाँ, अगर आपके पास में ये वाला बर्तन नहीं है तो टेंशन मत लीजिए कि आप मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं। इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच तेल, है ना, बराबर। चलिए अभी इन सबको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे ग्राइंडर से। अभी इस ग्राइंडर के लिए भी एक दिन मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि ग्राइंडर को कैसे यूज़ करना है, ये ग्राइंडर कहाँ पर मिलता है, इसे वॉश करके कैसे रखना है, इसे यूज़ कैसे करना है, ये बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। चलिए अभी मैं इसे पीस लेती हूँ आराम से, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा घुमाते घुमाते। ऐसे देखिए मैं ऐसे घुमाती हूँ, इसे एक साथ में नहीं घुमाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके घुमाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पीस के खूब अच्छी तरह से हो चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं है। कितने में लेके आए थे आपसे पुनी? ये 2500 रुपये में ऑनलाइन मंगाए थे। ऑनलाइन मंगाए थे 2500 रुपये में। इसकी लिंक भी आपको मेरे डिकोरेशन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या मिलेगी आपसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हाँ, बराबर बोली ना। चलिए अब ये पीस के हो चुका है। माशाल्लाह देखे कितना बेहतरीन पीसे जाता है ना, इसको देख के ही मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। ये पीसे इतना अच्छा रहता है, एकदम जैसे कि बाहर सा एक मिलता है ना वैसा। चलिए अभी हम बना लेंगे इसके, क्या बनाएंगे, फॉइल पेपर वाले सीख कबाब। हाँ, इसे चिकन कबाब, चिकन कबाब बोलते, सिक्का भी बोल सकते हैं। तो फॉइल पेपर एक कटिंग करके हम ले लेंगे इस तरह से चौकन में ना सिर्फ। हाँ, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे चारों बाजू। अभी लेंगे हम ये जो मसाला पीस के रखे थे ना चिकन के साथ में, ये वाला। चलिए थोड़ा सा हाथों में तेल लगाएंगे, तेल लगा के हम इसे चारों बाजू से अच्छे से फैला देंगे, एक त्रिकोणी शेप दे देंगे। हाँ, है ना, त्रिकोणी शेप दे दीजिए आप, थोड़ा सा लीजिए हाथ में, ज्यादा नहीं, जैसे कि एक रोटी नहीं, चौकन, चौकनी चौकनी शेप दीजिए, चौकनी चौकन हो गया ना। हाँ, चौकनी शेप दे दीजिए। अभी बीच में भर देंगे जो हमने खीमे का जो मसाला बना के रेडी करके रखे थे। हाँ, हेलमत्तू ये भर देंगे। माशाल्लाह ये देखिए हमने भर दिए, और ये बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था, ये पूरी बोलते ना लंबी बड़ी रेसिपी है, ये बड़ी रेसिपी थी और टाइम लग गया था। तो चलिए अभी इसके अंदर मैं रख दूंगी, ये क्या रखा थी मैंने, स्लाइस चीज, स्लाइस चीज। अभी मैं इसे कैसे पैक करूंगी, ये देखो इधर से हम उठाएंगे, ये हल्के हाथों से इधर पे इसे रैप करेंगे, रैप बोलते ना सिर्फ। हाँ, हल्के हाथों से रैप कर दिए, दबा दिए, निकाल लिए। ये देखिए अब ये साइड से भी ऐसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है, सेम इधर से उठाए, इधर पे दबा दिए, माशाल्लाह, है ना, और ये इधर से भी उठा ले। ये देखिए दोनों तरफ से पैक हो गया। अभी ये जो किनारी साइड से खुली है तो ये किनारी को भी हम ऐसे हाथों से पैक कर लेंगे। देखिए मैं कैसे पैक कर रही हूँ, एकदम मस्त एकदम, है ना, पूरा ये सील पैक हो जाना चाहिए, इसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। ये हो गया, अभी इसे उठा के एकदम कॉर्नर पे रख लेंगे। मैं ये देखिए मैं इसे आगे साइड रख लेंगे, आगे साइड रखूंगी, क्योंकि इसको मैं इससे मुझे लपटना है ना, इसलिए मैं थोड़ा बोलने में डगमगा जाती हूँ, मगर आप लोग मेरे हाथों पे ध्यान दे के बरोबर रेसिपी बनायो बना लीजिए ना। तो चलिए अभी इसे हम अच्छी तरह से पैक करेंगे। ये देखिए ऐसे पैक करते लीजिए। अभी इसे हम क्या करेंगे, एकदम पैक हो गया, अभी इसे हम, हाँ ये हो गया पैक, अभी हम इसे चॉकलेट के जैसा फोल्ड कर लेंगे, ये बाजू से भी, हाँ फिर ये बाजू से भी। तो ये हो गया हमारा चिकन फॉइल पेपर कबाब, कबाब इसे चिकन फॉइल पेपर सीख भी बोल सकते हैं आप। ये रेडी नहीं हुआ है अभी, अभी इसको पकाएंगे। हाँ अभी इसे पकाऊंगी। चलो ऐसे ही करके हम सारे बना लेंगे, सारे बनाने के बाद आपको बता देती हूँ मैं। चलिए माशाल्लाह हो गया सब बना के, अभी मैं इसे रख दूंगी एक साइड में। ये देखिए सब बना के हो चुके, अभी मैं इसे साइड में रख दूंगी। आज ना मेरे को बहुत मूड ऑफ हो रहा है, ऐसा लग रहा है बोलने का नहीं, ज्यादा बात नहीं करूँ, एकदम चुपचाप चुपचाप रहूँ। क्यों ऐसा, क्या मालूम सर भी दुख रहा आज। तो क्या करूँगी, इधर पे मैंने ली हूँ एक पैन, पैन में मैं डाली हूँ 3 से 4 चम्मच तेल। तेल एक ही बार में इसमें डाल लूंगी कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो इसी में मैं सारे चिकन को हमारे पका लूंगी। अभी ये जो फॉइल पेपर में जो हमने चिकन रखे ना रैप करके, रखना ही उधर था तो इतना घुमा के क्यों। हाँ देख ना, मैं भी वही सोची, चल अभी अच्छा ये पैन जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो गैस को आप ध्यान से मीडियम पे कर देना। मीडियम पे जब गैस आपका हो जाएगा ना, तो इसे चिकन को रख देना। आज गड़बड़ में बोल रहा हूँ, बराबर बोल रहे। चलिए अभी इसे हम कितना मिनट पकाएंगे, अलट पलट करते हुए हम इसे कम से कम 10 मिनट तक का पकाएंगे। हाँ, एकदम मीडियम गैस पे।
मम्मी अभी एक निकाले थे चेक करने के लिए कि ये बराबर बना है। अच्छा, मीडियम गैस पे से अलट पलट करते हुए आप पकाते रहिए। मेरी चाकू में ना धार ही नहीं थी, ये ककरा ही नहीं था, मालूम है। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मैं तुम्हारे भाई को गुस्सा की, मुझे जो चाकू धार करके दो ना मेरे को। पहले मैं उल्टी चाकू पकड़ी थी, क्या मालूम, मैं बोला था हमको उल्टी पकड़ी थी शायद। तो ये देखिए अंदर से भी चिकन अच्छे से पक चुका है, मार्केट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है ना। चलिए अभी वो हो गया, अभी उसे मैंने निकाल दिया, एक साइड में रख दी। अभी बना लेंगे इसकी चटनी। तो इधर पे मैंने डाली हूँ अमूल बटर के 2 टुकड़े पैन में, अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। हिलता क्यों आसिफ तू? अच्छा ठीक है, सॉरी। अभी इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भर के, ये क्या डाली मैंने, अमूल चीज स्प्रेड। अमूल चीज स्प्रेड है ना, ये आपको मॉल में आसानी से मिल जाएगा। तो 2 चम्मच भर के मैंने डाली। अभी इसे भी इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे। अगर आपको मेल्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें 1 कप भर के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो चलिए, इफ्तार के लिए टाइम हो रहा था करके मैं घाई घाई में जल्दी जल्दी बना रही थी। और ये मैंने डाली हूँ 1 टुकड़ा स्लाइस चीज डाली मैंने। अभी इसे भी मैं अच्छी तरह से मेल्ट कर लूंगी। ये बहुत जल्दी हो जाती है, इसे चटनी बोलते हैं। ये चटनी इसके साथ में भी खाई जाती है और आप कोई भी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। हल्का सा काली मिर्च पाउडर और हल्का सा जीरा पाउडर डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अभी इन सबको हम क्या करेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये गरम गरम ही एकदम जल्दी पिघल, गरम भी बहुत जल्दी हो जाता है ये। अगर आपको ऐसा लगा तो थोड़ा सा आप इसके अंदर दूध डाल के इसे पतला कर सकते हैं। ये देखिए इतना मस्त हो गया था कि उठाते उठाते फॉइल पेपर में से इसे निकाल लेंगे और ये उठाते उठाते ही टूट गया। सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट था। तो चलिए अभी इसे आपकी मर्जी के हिसाब से आप कटिंग करके खाना है कटिंग करके खाइए। आपको अगर अक्खा रखना है तो आप अक्खा भी रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। ये तो मैं तो बस डिजाइन के लिए ऐसा रखी है ना। तो चलिए अभी मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ, इसे सजा देती हूँ अपने हिसाब से। माशाल्लाह, ये देखिए अब ये सब मैंने सजा दिया। और ये जो मैंने अभी ये बनाई थी ना, क्या बनाई थी, चटनी बनाई थी ना, क्रीमी चटनी, वो चटनी ऊपर से हम डाल देंगे। ये बहुत लंबी रेसिपी ऐसा लगा मुझे ना, लेकिन कुछ नहीं बनाई, बनी तो एक नंबर लग रही थी। खाने में बहुत ही अच्छा मस्त है ना, दो अलग फ्लेवर आ रहा था। एक ही कबाब में 2 फ्लेवर आ रहा था। इंशाल्लाह आप लोग भी जरूर बनाना ये रेसिपी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट में पूछना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए अभी यहाँ पर बना लेती हूँ मैं बटाटे के भजिए। तो बटाटे के भजिए बनाने के लिए 2 बटाटे ली हूँ मैंने, इसे घस ली हूँ। आप लोगों को कैसे घसना है वो तो पता है ना। ऐसी बेसी बंद कर थोड़ा स्टॉप करके। तो चलिए यहाँ पर मैंने बटाटे घस ली थी। बटाटे कैसे घसने ये तो आपको मालूम है, वो बटाटे घसने वाला मिलता है ना। उसको पानी में क्यों रखे थे? हाँ, पानी में इसलिए रखी थी क्योंकि बटाटे अच्छी तरह से फूल जाने चाहिए और बटाटे मेरे काले भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे टाइम था ना बनाने के लिए इसके लिए। और ग्रेस काफ़ी टाइट हो गया था, फिर भी मैंने पेल ली थी, जाने तो चलेगा। तो यहाँ पर ले लूँगी मैं 3 से 4 वाटी भर के बेसन है ना। बेसन को मैं छानूंगी नहीं, भूनूंगी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट रेडीमेड बना दूंगी। हल्का सा हल्दी पाउडर इसमें डाल लूंगी मैं। अभी इसके अंदर डालूंगी एकदम जरी सी लाल मिर्ची पाउडर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं 1/2 चम्मच नमक इसमें यूज कर रही हूँ। अभी इसमें मैं डाल लूंगी, थोड़ा कम लगा और डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। तो अजवाइन को आप हाथों पे दीजिए और इस तरह से घस के डालिए, इससे क्या होगा, इसमें एक फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और आपका पेट भी नहीं खराब होगा। और दूसरी बात, इसमें मैंने डाली हूँ थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची, अगर है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते। इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे, इन सबको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक ही साथ में डायरेक्ट पानी डाल के इसे मिक्स मत करना, नहीं तो आपका बैटर है एकदम गोला गोला हो जाएगा। चलिए अभी इन सब के अंदर थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे खूब अच्छे से एक बैटर बना के रेडी कर लिया। देखिए इस तरह का आपका बैटर रहना चाहिए, बताती हूँ आपको। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम गरम तेल है ना। देखना हमारे ऐसे बनाने से हमारे भजिए कितने बेहतरीन बनेंगे है ना। आपको चावल का आटा या बेसन ये वो डालने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी फूले फूले और करारे हमारे भजिए बनेंगे। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं सारे बटाटे, और तेल भी एक तरफ हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह बोलकर ये छोड़ रही हूँ मैं। कौन है
एक एक करके हम इसमें छोड़ेंगे। ये देखिए, जब आप बटाटे छोड़ेंगे तेल के अंदर, तो गैस को आप मीडियम पे ही रखना, एकदम हाई पे मत रखना, नहीं तो जल्द से जल्द अंदर से आपके बटाटे कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन पक जाएंगे। तो ये देखिए क्या फूले फूले हमारे बटाटे बने, ना ही इसमें सोडा है, ना इसमें चावल का आटा है, ना ही कोई और चीज़ है, सिर्फ मैंने थोड़ी सी चीज़ों से ये बटाटे के भजिए बनाए, एकदम टेस्टी बटाटे के भजिए बने थे, है ना सिर्फ। हाँ तो चलिए ये देखिए, एकदम बड़े बड़े से फूले हुए बटाटे के भजिए, और कितना टाइम तक का ऐसे करा रही थे ना वो, करा रही थे वो। तो चलिए, कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की इफ्तारी? हाँ, और मेरे को पालक का भजिया भी बनाना था, मगर मैं मुझे थोड़ा सा निकाल लिया, अम्मी को क्या इफ्तार को लेट हो रहा था, अजान हो गई थी मतलब थोड़ा लेट हो गया था, क्यों पहले की रेसिपी बड़ी थी ना। हाँ, अजान हो गई। तो चलिए यहाँ पे उसी बैटर में मैं पालक को लेके डुबा रही हूँ, डुबा के पालक भी मैं इसी में डाल देती हूँ। पालक भी साफ करके रख दी थी मैंने, तो मैंने खाली थोड़ी सी बनाई, ज्यादा नहीं बनाई, बाकी का रख दी। मैं बोली इंशाल्लाह कल बना दूंगी, रख देती हूँ अभी मैं ना, वो टाइम भी बहुत हो रहा था, अभी रोजा खोल के नमाज भी पढ़नी थी, नमाज पढ़ के हमें बम्बई भी भागना था। तो चलिए यहाँ पे झटपट से हम लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए, आप लोग भी आइए इफ्तारी करने के लिए। कैसी लगी आपको मेरी रमजान की रेसिपी की वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, आ जाओ इफ्तार के लिए।